Now let's move to the 1919 reforms. 1919 reforms की बात करते हैं, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड reforms जो कि फोर्स में आए थे 1921 में. अगेन सेम सेक्रेटरी मॉन्टेगू एंड वाइसराय चेम्सफोर्ड. इनकी चेहरा देख लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा कौन थे क्या थे, समझ में अच्छा आएगा. एक क्यूरोसिटी होती है ना कि कौन था क्या था, तो बस इसीलिए पिक्चर्स डाल दी गई है. बैकग्राउंड समझते हैं. 1999 वो दौर था जब ऑलमोस्ट वर्ल्ड वॉर वन एंड हुआ था. कांग्रेस बहुत डिमांड कर रही थी किस चीज की, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की, और वो इसी शर्त पे लगभग इसी वादे पे उसने साथ देना कबूल किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट का कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लाने में, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाने में हेल्प करेंगे इंडिया की. यानी कि वर्ल्ड वॉर प्रॉमिस भी था और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की डिमांड थी कांग्रेस की. तो इसके लिए 1917 में गवर्नमेंट ने कहा भी था कि रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाना गवर्नमेंट उसका ब्रिटिश गवर्नमेंट का एम है. ठीक है, ये इमेज तो एक रिप्रेजेंटेशन पर्पस के लिए है, एक्चुअल इमेज नहीं है उस टाइम की, शायद उससे पहले की या उसके कुछ बात की होगी 1919 के. तो लेकिन ये प्रोटेस्ट दिखाने के लिए कि हाँ कांग्रेस की डिमांड. फीचर्स देख लेते हैं. डिसेंट्रलाइजेशन चल रहा है. अब कैसे हो गया कि भैया डिवोल्यूशन ऑफ पावर यानी पावर को बांट रहे हैं हम. कैसे बांटते हैं कि सब्जेक्ट लिस्ट, यानी कि कुछ सब्जेक्ट्स हैं इन पे हम लॉ बना सकते हैं. तो सेंटर के हमने बना दिए कि सेंटर बना सकता है, प्रोविंसेस अलग बना सकते हैं कि इन पे प्रोविंस आराम से बना सकते हैं. ठीक है, इसी तरह हमने बजट के साथ भी कर दिया, यानी बजट अपना सेंटर खुद फॉर्म कर सकता है और प्रोविंस भी अपना खुद अलग बजट बना सकते हैं. सो सेपरेशन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स एंड बजट. सब्जेक्ट्स कंटेनिंग दोज मैटर्स ऑन विच ए सेंटर और स्टेट कैन मेक देयर ओन लॉ. ठीक है, प्रोविंशियल सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट को दो जगह डिवाइड कर दिया गया कि सेंटर है और प्रोविंशियल है. प्रोविंशियल को भी दो जगह डिवाइड कर दिया गया, ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड. ट्रांसफर्ड में इन्होंने बात की कि ट्रांसफर्ड जो सब्जेक्ट्स हैं उनको एडमिनिस्टर कौन करेगा, गवर्नर. लेकिन वो गवर्नर उन सब्जेक्ट्स के लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल की हेल्प लेगा और लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया, यानी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट. वेरी गुड. अब आते हैं रिजर्व सब्जेक्ट. प्रोविंस में हो रहा है ये सब. रिजर्व यानी कि रिजर्व जो एडमिनिस्ट्रेशन था गवर्नर ही करेगा, लेकिन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, यानी कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा इन सब्जेक्ट्स के लिए, रिजर्व सब्जेक्ट्स के लिए. तो एम क्या था, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट. और यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि रिजर्व जो सब्जेक्ट है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, उनके लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है भैया हमारी. कैसे भी हम उसको लॉ बना सकते हैं, किसी के लिए हम जवाबदेह नहीं होंगे, किसी को आंसर नहीं करेंगे हम. कहाँ गई रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, फेल्ड. ठीक है, फेल्ड था. देखिए डायर्की, डायर्की का मतलब होता है ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्सेस नॉन रिस्पॉन्सिबिलिटी. जब भी डायरकी की बात करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉन रिस्पॉन्सिबिलिटी की हम बात करते हैं. यानी कुछ सब्जेक्ट ऐसे जिनके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ और कुछ सब्जेक्ट ऐसे जिनके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ. यानी कि प्रोविंसेस में हो रहा था ऐसा, तो प्रोविंसेस में डायरकी लेके आई गई, यानी ड्यूअल सिस्टम प्रोविंसेस में लेके आया गया. बाइकैमरलिज्म भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया इस एक्ट में. दो हाउस की बात की थी, यानी कि अपर हाउस और एक लोअर हाउस. बाइकैमरलिज्म आज की डेट में कंपेयर करो तो क्या हो गया, अपर हाउस क्या है राज्यसभा, लोअर हाउस क्या है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स लोकसभा. ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शंस यानी कि डायरेक्ट इलेक्शंस हो सकते हैं, लेकिन फ्रेंचाइज का क्या मतलब होता है, वोटिंग राइट्स उन्होंने कुछ लिमिटेड लोगों को दी. वोटिंग राइट्स लिमिटेड लोगों को दी है. किन किन लिमिटेड लोगों को दिए, कि हमने ऑन द बेसिस ऑफ टैक्स कितना दे रहे हैं, उनके पास प्रॉपर्टी कितनी है,
और उनके पास एजुकेशन कितनी है, इसके बेसिस पे हम आपको वोटिंग राइट्स देंगे। ठीक है, फीचर समझ में आ रहे हैं, क्लियर हो रहा है? याद करने का हम बताते हैं, ट्रिक इनको बताते हैं। वाइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल पहले 1909 के एक्ट में मार्लेमिंटो, वहां पर सत्येंद्र भाई साहब आ गए थे लॉ मेंबर वन के, अभी एक रिप्रेजेंटेशन था, और 1919 में 3 out of 6 हो गए, यानी कि फर्दर डिसेंट्रलाइजेशन चल रहा है। ये कहाँ से शुरू हुआ था? 1857 के बाद जो एक्ट आया, तो वहां से ही डिसेंट्रलाइजेशन टेंडेंसीज दिखनी शुरू हो गई थी, यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में और भी ज्यादा इंडियंस। अब जो सेपरेट इलेक्टोरेट जो पहले मुस्लिम के लिए था, पहले किसके लिए था? मुस्लिम्स के लिए था। अभी किसके लिए? बाकी रिलीजियस कम्युनिटी, माइनॉरिटी और एथनिक माइनॉरिटीज के लिए भी कर दिया गया, यानी 6 के लिए बात की गई थी कि आपके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट रहेगा, इंडियन क्रिश्चियंस के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए और यूरोपियंस के लिए भी। ठीक है, ये सारी चीजें कही गई थी। पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की गई थी कि पब्लिक सर्विस कमीशन को एस्टेब्लिश किया जाएगा, पब्लिक सर्विस कमीशन को एस्टेब्लिश किया जाएगा, और 1926 में पब्लिक सर्विस कमीशन को एस्टेब्लिश कर दिया गया। इसकी ट्रिक में आप याद रखिए, ये देखो, एक मैं स्टेटमेंट बोला हूँ, ध्यान से याद कर लीजिएगा, आपको कंफर्टेबल लगे तो, कि एसएसबी में जो कि एग्जाम होता है ना, एसएसबी में क्या रिक्वायर्ड है? बायोडाटा और एंड पर्सनल रिकॉर्ड्स। ठीक है, बायोडाटा एंड पर्सनल रिकॉर्ड्स एसएसबी में, क्या यानी कि आपको 1919 के जो एक्ट के फीचर याद करने हैं, आपको इस लाइन में याद हो जाएंगे। समझ में तो सारे आ गए, तो इसमें याद करो कि 1919 यानी मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड के टाइम पे, ये वाला स्टेटमेंट याद रखना कि एसएसबी में क्या रिक्वायरमेंट है? बायोडाटा एंड पर्सनल रिकॉर्ड। अब इसको कैसे याद रखेंगे? एस का मतलब हो गया सेपरेशन ऑफ सब्जेक्ट, सेपरेशन ऑफ सब्जेक्ट यानी कि प्रोविंस सेंटर में और प्रोविंस में अलग अलग कर दिया। प्रोविंस में क्या कर दिया गया था? डायरकी लेके आई गई थी, देखिए, रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड, रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट प्रोविंसेस में। ठीक है, तो जैसे ही आपको सेपरेशन ऑफ सब्जेक्ट याद आते हैं, तो आपको याद आएगा सब्जेक्ट जो प्रोविंसेस में थे उनको अलग अलग कर दिया गया था, ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड में, सेपरेशन ऑफ सब्जेक्ट एस इज द सेकेंड। एस किससे? सेपरेट इलेक्टोरेट, पहले मुस्लिम्स के लिए थे लेकिन अभी किसके लिए हो गए? बाकी माइनॉरिटीज के लिए भी, सिक्स, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियन एंड यूरोपियंस, दो एस हो गए। बी, बी फॉर बजट सेपरेशन, तो सब्जेक्ट सेपरेशन हुआ तो क्या हुआ? बजट का भी सेपरेशन हुआ था, राइट? अब दूसरा बी आता है, ये बी किसके लिए है? बाइकैमरलिज्म, बाइकैमरलिज्म के लिए। ठीक है, डी, डी फॉर डायरेक्ट इलेक्शन, और जब हम डायरेक्ट इलेक्शन की बात करेंगे, डायरेक्ट इलेक्शन की बात करेंगे, तो वी विल ऑल्सो रिमेम्बर द लिमिटेड फ्रेंचाइज, लिमिटेड वोटिंग राइट्स। ठीक है, पी आर, पी यानी कि ये वाला, ये देखो, पब्लिक सर्विस कमीशन के एस्टेब्लिशमेंट की बात की गई थी, जो कि 1927-26 में एस्टेब्लिश हुआ, सीपीएससी, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन। आर, आर यानी कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में रिप्रेजेंटेशन कितना हो गया? बढ़ गया, 3 हो गया out of 6, राइट? इंडियन रिप्रेजेंटेशन बढ़ गया। ठीक है, ये फीचर्स हैं। अब देखिए, इस एक्ट सही से इम्प्लीमेंट हुआ है कि नहीं है, इसका रिपरकशन कैसे हुए हैं, इसको रिव्यू करने के लिए इस एक्ट को, 1919 को एक साइमन कमीशन गठित किया गया 1927 में। साइमन कमीशन, जिसका इंडिया में बहुत प्रोटेस्ट हुआ था। क्यों प्रोटेस्ट हुआ था? क्योंकि इसमें कोई भी इंडियन नहीं था, तो इंडियन पर्सपेक्टिव मिसिंग था, कैसे रिव्यू कर सकते हो आप? इंडियन है ही नहीं, तो सारे के सारे 7 मेंबर्स थे वो ब्रिटिश थे। तो इसने क्या रिकमेंड किया, हमें याद रखना, डिवाइड एंड रूल, और ये दिखाना चाहते थे रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, बस ये दो चीजें याद रखना। तो इसने यही रिकमेंड किया कि डायर की जो रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के खिलाफ थी,
उसको कहा कि इन्होंने कि अबॉलिश कर दो डायरकी को, डायरकी अबॉलिश कर दो। समझ आ रहा है? दो चीजें बस कि इन्होंने दिखानी थी, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट और डिवाइड एंड रूल, यानी कि अबॉलिशन ऑफ डायरकी, एक्सटेंशन ऑफ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस, यानी कि डायरकी प्रोविंसेस में तो खत्म की, यानी रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट प्रोविंसेस में होनी चाहिए। एक फेडरेशन की स्थापना की जाए ब्रिटिश इंडिया प्रिंसली स्टेट में, और कम्युनल इलेक्टोरेट को बढ़ाया जाए और भी कम्युनिटीज को दिया जाए, यानी कि वही डिवाइड एंड रूल, ये सारी। ठीक है, क्लियर? तो फीचर्स देख लेते हैं, बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, साइमन कमीशन ने जो सजेस्ट किया था, क्या क्या सजेस्ट किया था? ऑल इंडिया फेडरेशन, जो कभी बना नहीं, सजेस्ट तो हुआ था, प्रोविजन थे, स्टेट लिस्ट, फेडरल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, ये तीन लिस्ट आई गई। फेडरल सेंट्रल के लिए थी, प्रोविजन प्रोविंशियल मतलब प्रोविंसेस के लिए थी, लेकिन एक एडिशन और हुआ कॉन्करेंट, यानी कि दोनों सेंटर और प्रोविंस उसमें ऐसे सब्जेक्ट थे, ये दोनों उस पर लॉ बना सकते थे। थ्री सब्जेक्ट लिस्ट आज की डेट में कंपेयर करें तो फेडरल इज इक्वलेंट टू यूनियन लिस्ट, प्रोविंशियल इज इक्वलेंट टू स्टेट लिस्ट, एंड कॉन्करेंट इज कॉन्करेंट। ठीक है, कौन सा है? शेड्यूल 7 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, रेसिडरी पावर विद वॉइस राय, यानी इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट बचती हैं वो जो गवर्नर जनरल था यानी वॉइस रॉय था उस टाइम पे, उसके पास रहेंगी रेसिडरी पावर, वॉइस रॉय के पास। करेक्ट, देखो कितना हेविली इंस्पायर्ड है अपना कॉन्स्टिट्यूशन बाई कैमरलिज्म, स्टेट, ये सारी लिस्ट का वाले फंक्शंस हैं, प्रेसिडेंट को कुछ कुछ वीटो पावर्स हैं, ऑर्डिनेंसेस हैं, कई सारे इंस्पिरेशन लिए गए हैं एक्ट से। ठीक है, डायरकी रिकमेंड किया गया था, डायरकी को अबॉलिश कर दिया गया, लेकिन सेंटर पर अडॉप्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन कैसा कुछ हो नहीं पाया। तो याद रखो, डायरकी को अबॉलिश कर दिया गया, ड्यूअल गवर्नमेंट को, ये सारे रिकमेंड किए थे साइमन कमीशन ने। ठीक है, अब इसके साथ साथ क्या हुआ कि कुछ प्रोविंसों में बाइकैमरलिज्म, जो कि अभी सिर्फ सेंटर पे था, अभी इसको एक्सटेंड करके प्रोविंसेस में लेके आया गया। कौन कौन से प्रोविंसेस में? बंगाल, बॉम्बे, मद्रास की प्रेसिडेंसीज थी, इनके साथ साथ बिहार, आसाम, यूपी, यूपी मतलब यूनाइटेड प्रोविंस उस टाइम के, आज का उत्तर प्रदेश, यानी बीबीएम जो प्रेसिडेंसीज थी, प्लस बीएयू, बिहार, आसाम एंड यूपी, बाइकैमरलिज्म लाया गया। सेपरेट इलेक्टोरेट अगेन रिकमेंडेड बाय साइमन कमीशन। देखो बैकग्राउंड से क्लियर हो रहा है कि नहीं, क्या क्या रिकमेंड किया था, क्या क्या हुआ उसने, क्या कि सेपरेट इलेक्टोरेट को एक्सटेंड किया जाए। तो एक्सटेंड हुए शेड्यूल कास्ट, इनको डिप्रेस्ड क्लास कहा जाता था, यानी आज के अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट, वेमेन एंड लेबर, इनको सेपरेट इलेक्टोरेट देने का प्रोविजन किया गया था इस एक्ट में। कौन से एक्ट में? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, फ्रेंचाइजी को एक्सटेंड यानी वोटिंग राइट्स को बढ़ा दिया गया। वोटिंग राइट्स पहले बहुत लिमिटेड थे, हालांकि अब भी लिमिटेड थे, लेकिन उसको बढ़ा के 10% कर दिया गया, यानी टोटल पॉपुलेशन के 10% हिस्से को वोटिंग राइट्स दे दिए गए। करेक्ट, आरबीआई का प्रोविजन, यानी कंट्रोल करना था उन्हें करेंसी को, क्रेडिट को, तो उसके लिए आरबीआई का प्रोविजन किया गया, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रोविजन भी इस एक्ट में था, इसका एस्टेब्लिशमेंट होगा। प्रोविजन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, देखो फेडरल का एक सेंट्रल का तो ऑलरेडी था, ओके, उसके साथ साथ उन्होंने क्या किया, प्रोविंसियल पब्लिक सर्विस कमीशन का, और दो या दो से ज्यादा प्रोविंस हो उनके लिए ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का भी प्रावधान था, प्रोविजन था। करेक्ट, एक साथ में था फेडरल कोर्ट का प्रोविजन, जो कि सेटअप कब हुआ? 1973 में। देखो ये अलग है सुप्रीम कोर्ट से, जिसकी हमने बात की थी 1773 वाले एक्ट में, उसमें सुप्रीम कोर्ट था, लेकिन 1935 में ये इसमें बात हुई थी फेडरल कोर्ट की, फेडरल कोर्ट। ठीक है, याद रखना। अच्छा, इसको बहुत सारे फीचर हो गए, समझ में आ गए, बैकग्राउंड क्लियर है, कनेक्ट हो गया, याद कैसे रखें?
बहुत सिंपल है। देखिए पिछले 1909 के एक्ट में हमने बात की थी याद करने के लिए कि SSB में क्या क्या मांगा गया, बायोडाटा और पर्सनल रिकॉर्ड। ठीक है, उसी से आगे बढ़ते हैं अपन। इसमें क्या याद रखेंगे, उसके आधार पर क्या किया उन्होंने कि SSB में जो फर्स्ट टाइम अपियर हो रहे थे उनको फर्स्ट क्लास से पास कर दिया गया। SSB में जो फर्स्ट टाइम अपियर हो रहे थे, याद रखो फर्स्ट टाइम अपियर हो रहे थे, उनको फर्स्ट क्लास से पास कर दिया गया, और जो रिपीटर्स थे उनको ड्रॉप कर दिया गया। यानी फ्रेशर्स को फर्स्ट क्लास, रिपीटर्स को ड्रॉप हटा दिया गया SSB में। ओके क्लियर। अब देखो इसमें क्या करेंगे, एस एस का मतलब सब्जेक्ट सेपरेशन। सब्जेक्ट सेपरेशन क्लियर पता चल जाएगा, कौन कौन सी, प्रोविंशियल, फेडरल, कॉन्करेंट, और जो रेसिड्यूअल पावर थी वो किसके पास थी, वाइस रॉय के पास। ठीक है, दूसरा एस सेपरेट इलेक्टोरेट किसके लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, विमेन के लिए और लेबर के लिए यानी वर्कर के लिए। बी बाई कैमरलिज्म, बाई कैमरलिज्म किस में पहुंचा दिया गया, प्रोविंसेस में। प्रोविंसेस कौन से, यूपी, बिहार, असम, और बाकी तीन प्रेसिडेंसी कौन सी, बॉम्बे, मद्रास और बंगाल, इनमें बाई कैमरलिज्म आ गया। एफ यानी फ्रेंचाइजी, वोटिंग राइट्स, कितनी, 10% पब्लिक को मिल गए, 10% पब्लिक को एक्सटेंड कर दिए गए। अब ये एफ से एक क्या बनता है, फेडरल या फेडरेशन, यानी कि फेडरल कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ 1937 में, और फेडरेशन की बात की गई, फेडरेशन एस्टेब्लिश होगा जो कि हुआ नहीं पर होगा। ठीक है, आर, आर से क्या बनता है, आरबीआई, राइट। और डी, डी से क्या बनता है, डायरकी, अबॉलिश्ड। ठीक है, तो ये चीजें एक बार फिर से सुन लेना, याद हो जाएंगी। अब आते हैं हमारे फाइनल एक्ट पे, जो कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, यानी कि इंडिया आजाद हो गया था इस एक्ट के थ्रू। तो इसमें थोड़े से प्रोविजन देखते हैं, बहुत सिंपल सा है, बहुत ऑब्वियस सा है, देखिए कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। इससे पहले एक टाइम्स ऑफ इंडिया की वो देखिए, उस दिन का न्यूज, अगस्त 15, 1947 का न्यूज, बर्थ ऑफ इंडियन फ्रीडम, कितना खुशी का दिन था ये, फ्रीडम मिली थी हमें। खैर आगे बढ़ते हैं, एक्ट की बात करते हैं। इंडिया बिकम द इंडिपेंडेंट हो गया, सेवरेन, यानी कि वो अपने डिसीजन खुद ले सकता है, किसी की नहीं सुनेगा, इंडिपेंडेंट हूं मैं, ब्रिटिश रूल खत्म हो गया। खत्म हो गया उसके बाद क्या बन गया, जब ब्रिटिश रूल ही खत्म हो गया था, वॉयस राय का ऑफिस, नीचे नीचे देखिए, वॉयस राय का ऑफिस और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऑफिस, ये भी अबॉलिश हो गया। ठीक है, और साथ में दो डोमिनियन बन गए, पाकिस्तान का एक इंडिया का। ठीक है, जो कि बहुत डिमांड थी, हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे कैसे क्या सारे ये शेप लिया। ठीक है, अभी सिर्फ हम एक्ट पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो दो डोमिनियन बने इंडिया पाकिस्तान के। ठीक है, और इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कहा गया कि भाई अब अपने लिए एक्ट बना सकते हो, और जो एक्ट आपको पसंद नहीं है उन्हें हटा सकते हो। ठीक है, या तो बनाओ या हटाओ, आपकी मर्जी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मर्जी है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन बना लो। लेकिन जब तक आपके कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन रहा, आपके डोमिनियन किससे गवर्न होंगे, 1935 का जो डिटेल्ड एक्ट है ना, इससे जस्ट पहले वाला एक्ट, उससे आप गवर्न करोगे अपनी कंट्री को, अपनी डोमिनियन को। और एक बार कॉन्स्टिट्यूशन बन जाए, अब कुछ भी हटाना, कुछ भी करना, उस हिसाब से गवर्न करना। ओके ठीक है, तो जो दोनों डोमिनियन थे और जो प्रिंसली स्टेट थे, उनको कहा गया, उनको फ्री कर दिया गया कि आप भैया या तो इंडिया ज्वाइन कर लो, पाकिस्तान ज्वाइन कर लो, या इंडिपेंडेंट बने रहो। ये सबसे बेकार था, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी नाम से हैदराबाद में IPS अकेडमी है, बहुत आयरन मैन थे, इनकी वजह से ही आज इंडिपेंडेंट के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया आज यूनाइटेड है मोस्टली। ठीक है, अब देखो ये कॉमन कॉमन से चीज है, यहाँ एम्परर नहीं रहा अभी कोई, क्योंकि इंडिपेंडेंट हो गया था, और सिविल सर्विसेज नहीं रहा क्योंकि पुरानी थी,
इन्होंने गठन करवाया फिर नई सिविल सर्विसेज, इसका नाम रखा गया स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, IAS सर्विसेज, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। आप सबका ड्रीम ड्रीम यार, थोड़ी मेहनत कर लो, हो जाएगा, कोशिश करो। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये सारे नॉमिनल हेड हो गए। ठीक है, और गवर्नेंस की हमने बात कर ली थी कि तब तक आपका कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन रहा, तब तक ये वाला एक्ट सुप्रीम रहेगा। ठीक है, ये फैक्ट है, आप याद कर लो, ये बाद बाद में काम आता है कि पहले इंडियन गवर्नर जनरल कौन थे, सी राजगोपालाचारी। ठीक है, तो हमने बहुत ही प्रिसाइसली, बहुत ही कंप्रेहेंसिवली कनेक्ट करके, बैकग्राउंड के साथ, ट्रिक्स के साथ, बहुत अच्छे से सारे एक्ट्स कवर कर लिए। आप इनको दोबारा पढ़ लें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन स्टेट पीसीएस में, यूपीएससी प्रीलिम्स में इनसे पूछे जाते हैं।